कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी आपका जीवन बदल देती है। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे एंड्रॉइड ऐप पॉकेट कहानियाँ को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी दूसरे की कहानी सुनाना कितना आसान है, लेकिन आप बीती कह पाना कितना मुश्किल होता है। इतनी बड़ी दुनिया में मैं बहुत ही जल्दी अकेली होने वाली थी, क्योंकि ये डरावना सच मेरे सामने था। हॉस्पिटल के बेड पर बेहोशी में पड़ी मेरी माँ दर्द से छटपटा रही थी, और मैं उनका दर्द देखकर भगवान से ये भी नहीं मांग सकती थी कि उन्हें उठा ले, दर्द से आराम दे दे, और ना ये कह सकती थी कि इन्हें मत ले जाओ, इनके बिना मेरा क्या होगा। अब जब मैं पुराना समय याद करती हूँ तो माँ का दर्द याद करके काफी दुख होता है, क्योंकि मेरे पापा ने मेरी माँ की कभी ढंग से इज्जत नहीं की, ना ही उन्हें वो प्यार दिया जिसकी वो लायक थी। क्योंकि मेरे पापा को अपने दोस्तों की पत्नियों के सामने माँ का सीधापन कांटे की तरह चुभता था। उन्हें माँ में कई नुक्स नजर आते थे। शहर में आने के बाद गांव में जन्मे और पले मेरे पापा में कुछ ज्यादा ही बदलाव आ गया था। वो अपने दोस्तों से भी ज्यादा मॉडर्न दिखने का ट्राई करते और चाहते कि घर में अंग्रेजी ही बोली जाए, खासकर मेरे साथ, ताकि मैं बाकी बच्चों की तरह फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकूं। मुझे बहुत धुंधली धुंधली सी याद है मेरे पापा की, बहुत धुंधली। ज्यादातर तो माँ से सुनी हुई बातें ही थीं, जैसे कि वो बचपन से बहुत ही अच्छी बुद्धि के थे और वो गांव के अपने मास्टर से ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे कि वो भी हैरान रह जाते, पर भले मानुस गुस्सा नहीं करते और धूर धूर कर पापा की जिज्ञासा को पूरी करते, उनका मार्गदर्शन करते, इधर उधर से पुस्तकें लाकर उन्हें पढ़ने के लिए देते और मेरे दादाजी से कहते, बहुत होनहार है तेरा बेटा, खूब पढ़ाना इसे। जिसके बाद मेरे पापा ने बोर्ड की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास कर ली। लेकिन गांव में तो आगे स्कूल नहीं था, इसलिए मास्टर जी ने दादू को समझाया कि पास के शहर में भेज दें, सारा इंतजाम वो कर देंगे, और उनसे कहा कि ऊंचा अफसर बनेगा तुम्हारा बेटा, कलेक्टर बनेगा एक दिन। मेरे दादू वैसे बड़ी बड़ी डिग्रियों के नाम नहीं जानते थे, पर कलेक्टर शब्द समझते थे। बस एक समस्या थी, दादू चाहते थे कि पापा पहले शादी कर लें। दरअसल दादू ने अपने बेटे की शादी उनके बचपन में ही अपने एक मित्र की बेटी के साथ तय कर दी थी, और जब माँ 16 साल की हुई तो उनके पिता जल्दी ही शादी के लिए कहने लगे, जिसके लिए पापा के सामने दादू ने प्रस्ताव रखा और कहा, शादी कर लो, उसके बाद तुम जितना चाहो पढ़ने के लिए आजाद हो, दुल्हनिया हमारे संग रहेगी, जब तक तुम नौकरी नहीं करने लगते तब तक हम उसकी देखभाल करेंगे। अब पापा दादू की बात नहीं नकार पाए, इसलिए बीए में ही पापा की शादी हो गई और माँ अपने ससुराल में आकर रहने लगी। वहीं पापा बस छुट्टियों में ही घर आते थे, लेकिन माँ ने पापा की बातें शिकायती लहजे में कभी नहीं की, बल्कि वो अपनी ही कमजोरी मानती थी। जिसके बाद आईएएस की ट्रेनिंग पूरी होने पर नौकरी लगते ही पापा हमें फौरन अपने पास ले गए। माँ बताती थी, मैं तब 4 साल की ही थी। कुछ महीने ठीक से गुजरे, लेकिन फिर पापा को अपने दोस्तों की पत्नियों के सामने माँ का सीधापन कांटे की तरह चुभने लगा। इसलिए पापा ने घर में एक टीचर भी लगा दी, जो मुझे और माँ दोनों को पढ़ाती थी। इसके लिए माँ ने कोशिश भी की, लेकिन वो अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाई, जिसकी वजह से पापा धीरज खोने लगे। उनके मित्र आते तो माँ खामोश बैठी रहती, जबकि पापा चाहते थे कि वो उनके दोस्तों की पत्नियों की तरह स्मार्ट हो जाए, उनकी तरह खुलकर बात करे। दुनिया तेजी से बदल रही थी, जबकि माँ उस रफ्तार से नहीं भाग पाई, जिसकी वजह से उनके बीच की दूरियां बढ़ती गईं। फिर माँ ने अपनी हार मान ली। पति के ताने सुन सुनकर सीधी साधी माँ का आत्मविश्वास डगमगा गया था, इसलिए माँ ने गांव लौट जाने की इच्छा जाहिर की, तो पापा ने भी खुशी खुशी उन्हें इजाजत दे दी। माँ को उम्मीद थी कि शायद वो उन्हें रोक लेंगे, बच्ची की खातिर या फिर परिवार में बदनामी होने के डर से, पर पापा के तो मन की बात पूरी हो रही थी, इसलिए वो चुप्पी साध गए। माँ ने मुझे भी संग ले जाने की परमिशन चाही, तो पापा ने वो भी दे दी। फिर पापा ने मम्मी को कानूनी तलाक दे दिया, जिस पर माँ ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब साथ रहना नहीं तो बंधे रहने से क्या फायदा। जिसके बाद पापा ने हर महीने खर्च भेजने का वादा किया। कहते हैं कि कुछ रिश्ते पिछले जन्मों से ही चले आते हैं। शायद मेरी माँ अभी हॉस्पिटल के बेड पर थी और मैं उनके सामने बैठी उन्हें देख रही थी,
और सोच रही थी कि इनके सिवा मेरा कौन है। आज का सुविचार है कि कभी मायूस मत होना। दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आप देखते रहें हमारे चैनल को। मैं फिर से आऊंगी आपके सामने एक और नया पार्ट लेकर। तब तक के लिए आप हमारी बाकी की वीडियोस को यूं ही प्यार देते रहें।